हाय दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप लोग बताइए कैसे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। और बताइए, नाश्ता पानी हुआ कि नहीं। हमारे ख्याल से कि आप लोग का नाश्ता पानी तो हो चुका होगा, क्योंकि बज लग रहा है 9 और हम भी नाश्ता पानी खा चुके हैं और 4 वीडियो शूट भी कर चुके हैं। अब मैं जा रही हूँ नहाने, कपड़ा धुलने। अभी मैं खाना नहीं बनाई हूँ क्योंकि हमारी तबीयत नहीं ठीक है। कल से मैं दवा खा रही हूँ, मुझे थोड़ी कमजोरी आ गई है। क्योंकि मैं अगर बोल भी रहा तो मुझे मैं कांप रही हूँ, इसीलिए मैं अभी खाना भी नहीं बनाई। शाम को खाना बनाया थी, सब्जी चावल आलू बोड़ा की सब्जी मसला ही, और अच्छा नहीं लगा। ये रोटी खाई, इतना चावल खाई और बाकी सारा खाना उसे पड़ा हुआ है, इसलिए मैं खाना नहीं बनाया। क्योंकि हमारे पति हम हैं, अभी उसी को तलूँगी चावल को और रोटी। देखिए, हमारे पति दूध लेकर अभी आ रहा है, उसके बाद रोटी से खाएंगे, रोटी दूध और सब्जी तो ले जाके किसी के भैंस गोरु को डालेंगे। अभी तो दादा किलो लेकर आ रहा है, क्योंकि उनको गर्माऊँगी, दवा खाऊँगी, उसके बाद नहाऊँगी, कपड़ा धोऊँगी। और अभी अभी हमारी सास हमसे झगड़ा करी है। आज दो ढाई महीना पर से मैं अपने मायके से आ रही हूँ, वो भी आई हूँ, अभी चली जाऊँगी, थोड़ा काम सा है इसलिए बस्ती में, इसीलिए रुकना पड़ा। क्योंकि हमारे दोनों बच्चे अपने नानी के पास है, मेरे लड़का मेरा लड़की दोनों अपने नानी के पास हैं। और गेहूँ बोया गया था और घर नहीं बोया, गल्ला दिया गया था किसी को, उसने गेहूँ दिया और हमारी सास, हमारी जेठान सब लोग मिल के हमारा हिस्सा रखनी डायरी में डाल चुके हैं। और जब मैं अपना हिस्सा मांग रही हूँ तो हमारी जेठान हमारा यहाँ पे झोटा पकड़ के खींच लिए थी, हमारे पति हमको पकड़ लिए, नहीं तो हम भी पकड़ के खींचते जरूर। एक मारती तो दो मारती थी, एक तो जरूर मारती, लेकिन नहीं, मेरे पति बचा ले गए, नहीं मारने दिए हैं। और वो मुझको मेरा ये बाल पकड़ के खींच चुकी है, हमारे पति हमको बचाओ, फांसी लगाने के लिए कह रही थी, हमको जेल भेजने के लिए कह रहे थे कि मैं अपने भाई को बुला के भेजेंगे। लेकिन हम लोग बराए के किनारे हो गए, हम लोग उतना नहीं लड़े, लेकिन वो ज़्यादा लड़ी है। मैं अपने भैया, इसने अपने भैया से पूछा, इनके भैया आराम से प्यार से कह के गए, बस थोड़ा सा ही गेहूँ मिला था तो हम लोग नहीं कुछ बोले। लेकिन जब मेरी सास गेहूँ देने के लिए घर में गई तो हमारी जेठान मेरी सास को भी धक्का दे दी, उसको डंडा लेकर मारी भी और मेरी सास को धक्का दी। मैं पकड़ ली, नहीं मेरी सास के पैर हाथ टूट जाता अगर मैं नहीं होती तो। मैं उनको पकड़ ली, उससे झगड़ा भी कर रही थी और गिरने उसको धक्का दी। मैं गूंग है इसलिए उनका ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और मैं ज़्यादा मैं कहीं बोलती हूँ इसलिए मेरा कोई साथ नहीं देता। इसलिए मैं भाई लोग, मेरे बहन, अगर हमारी बात में आप लोग को अच्छी लगी होगी तो उस पर कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। ये आप लोग से विनती है, निवेदन है। दो बार से हमारी सास और हमारी जेठान हमारा हिस्सा गेहूँ रख ले रही है, हमको नहीं दे रही है। लेकिन मैं सब्र करती चली जा रही हूँ और देती भी नहीं। मैं वीडियो बनाती हूँ, उसको भी हमको चिढ़ाती है, कहके कहती है कि मैंने रुक के बनाती है, डांस करके बनाती, तो तुम भी बनाना चाहती हो बनाओ, हमसे क्या मतलब है, तुम अपना करो, मैं अपना कर रही हूँ, जो तुम्हारे समझ में आए तुम करो। अब इस दुनिया में सभी बना रहे, तो क्या मैं सबसे झगड़ा करके चलूँ कि तुम लोग वीडियो बना रही हो या कर रही हो। जिसकी मर्जी, जिसके पति जो कराएंगे वो करेंगे, हमारा भी पति करा रहे हैं तो हम भी करेंगे, हमारे भैया भाभी आप लोग हमारे साथ हैं तो उनके कहने से हमारा कोई कुछ नहीं कह सकता। इसीलिए आप लोग हमारा साथ मत छोड़िएगा, आप लोग हमारा अपना प्यार दुलार हमारे साथ जरूर बनाए रहिएगा जैसे बनाए हैं। और भाई साहब लोग, बहन लोग, मैं आप लोग से हाथ जोड़ से दिल से सच्चे मन से कह रहे हैं कि व्यूज बहुत कम आ रहा है, व्यूज जरा आप लोग देखिए कितना हमारा व्यूज आ रहा है, कितना है। और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सपोर्ट कीजिए, शेयर भी कीजिए। यही आप लोग से विनती है, निवेदन है। मैं किसी से झगड़ा नहीं करती हूँ और मैं करना भी नहीं चाहती हूँ। हिस्सा तो हिस्सा होता है, किसी के घर में हो चाहे थोड़ा है या ज़्यादा हो, हिस्सा तो हिस्सा होता है, चाहे इतना मिले चाहे इतना मिले, दो हैं तो दोनों का हिस्सा है, चार है तो चार लोग का हिस्सा है, चाहे टुका टुका है। लेकिन हमारी सास खुद झगड़ा बजाए, अगर हमारा हिस्सा गेहूँ आया है तो उसको आधा बांट के रख देना चाहिए, आधा उसको दे देना चाहिए था। लेकिन मेरी सास खुद झगड़ा बजाए, इसलिए मेरे भाई लोग, मेरे बहन, मेरे साथ कोई नहीं, हमारे पति हैं और आप लोग हैं, आप लोग का सहारा चाहिए, आप लोग का सपोर्ट चाहिए। नमस्ते, बाय।